मैं देश के उन लाखों करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ती है। आपके तकलीफ के लिए एकमात्र वही खड़ी है। तो इस बात का तकलीफ, किसानों का तकलीफ, नौजवानों का तकलीफ, सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के या दूसरे वाम दलों के कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो सफारी और महंगी गाड़ियों में राजनीति करते हैं, उन्हें बदहाल किसानों की हालत पहले भी समझ में नहीं आई थी और आज भी समझ में नहीं आएगी। देश को बचाने के लिए, देश हित के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो पिछले अपने 95 साल के सफर में रोज लड़ाई लड़ रही है, शायद इस देश के नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि न जात से न धर्म से, सिर्फ इंसान से, मनुष्य से, किसान से, इन सब की बातों को एकमात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही अपने विचारधारा के तहत रखती है, ताकि किसानों के इस देश को भाजपा और भाजपा के सहयोगी जैसे पूंजीपतियों की पार्टियों से बचा पाए। भले हम सरकार और सत्ता में बहुत कम जगह रहते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा उन तमाम 135 करोड़ युवाओं और किसानों के साथ है, नौजवानों के साथ है, जिसकी लड़ाई पिछले 95 साल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश में लड़ रही है। अब देखना समझना उन नौजवानों को है कि उनके हित की बातें कौन करता है, उनकी हित की बातें सरकार तक कौन पहुंचाता है, और उनके लिए लड़ाई कौन लड़ता है। नमस्कार।